दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और शुरुआत करते हैं आज के इस नए वीडियो की। एक्साइटिंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके आए हैं और इस एक्साइटिंग वीडियो को अगर आप और एक्साइटिंग बनाना चाहते हैं तो लाइक बटन नीचे है उसको दबा दीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मिलने वाली आपको इन्फॉर्मेशन एक ऐसे अफोर्डेबल फिटनेस बैंड की जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं, क्योंकि फिटनेस बहुत जरूरी है भाई। यहाँ पे हम आपके लिए लाए हैं एक नया फिटनेस बैंड जो कि है फास्ट ट्रैक की तरफ से, जो कि एक रिस्पेक्टेबल ब्रांड है जिसका नाम है रिफ्लेक्स 2.0, यानी कि सेकेंड जनरेशन है इस फिटनेस बैंड की। बाकी और चीजें आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप देख लीजिए स्पेसिफिकेशन। बात करते हैं बैंड के बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पे जो स्ट्रैप है वो बेसिकली अच्छा सा एक टेक्सचर डिजाइन यहाँ पे मिला है, ग्रीन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लग रहा है, और ऐसे में अगर आप इसे हाथ में पहनेंगे तो डेफिनेटली लोग नोटिस करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डिस्प्ले की, तो यहाँ पे एक अच्छा सा डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो कि ओलेड डिस्प्ले है। यहाँ पे जो स्क्रीन है वो पूरी टच स्क्रीन नहीं है, यहाँ पे नीचे की तरफ एक बटन दिया गया है जिससे आप टॉगल कर सकते हैं बाकी सारे मोड्स में और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अलग अलग तरह की, यानी कि स्टेप्स कितने हुए हैं, यहाँ पे आपकी कैलोरी कितने बर्न हुए हैं, टाइम क्या हुआ है, बैटरी स्टेटस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है इस बैंड पे। अगर हम बैटरी लाइफ की बात करें तो आराम से 10 से 12 दिन की बैटरी लाइफ आपको इसमें मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है, और ऐसे में बैटरी लाइफ इसका बढ़िया है। एक और जो चीज इसमें अच्छी है वो है इसका डिजाइन। जी हाँ, डिजाइन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस बैंड को आप डायरेक्टली यूएसबी पोर्ट में लगा के चार्ज कर सकते हैं, ऐसे में आपको कोई अडैप्टर की जरूरत नहीं है, कोई अलग तरह की केबल की जरूरत नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस तरह का डिजाइन बिल्कुल सूटेड डिजाइन है, और ऐसे में कहीं भी कभी भी आप यूएसबी पोर्ट में लगा के इस बैंड को चार्ज कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग की बात करें, डस्ट प्रूफिंग की बात करें, तो इस बैंड में आपको IPX6 की सर्टिफिकेशन मिल जाती है, यानी कि आप स्विमिंग में से पहन सकते हैं, बारिश में से पहन सकते हैं, लेकिन बहुत देर तक पानी के अंदर ना रखें तो ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज पानी वगैरह से कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं होती है और आप डे टू डे यूसेज में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं देखेंगे, खासतौर से पानी या डस्ट की वजह से इस बैंड के लिए। सेंसर्स की बात करूं तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट सेंसर आपको आराम से इस बैंड में मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर सेंसर, साथ ही साथ पेडोमीटर सेंसर, जिसके बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बैंड की स्क्रीन पे और साथ ही साथ ऐप में भी मिल जाती है। अब बताते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ ही साथ की फीचर्स इस बैंड के। तो यहां पे की फीचर्स आपको ऐप में देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज है फास्ट लेन। फास्ट लेन के अंदर आप देख सकते हैं कि पूरे डे के अंदर आप जहां जहां गए यहां पे ये चेकिंग करने को आपको अलाउ करता है, किस लोकेशन पे आप कब हैं वो आप मैन्युअली भी चेकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज ऑटोमेटिकली भी आपका चेक इन होता रहता है कब कब आप किस किस लोकेशन पे है, तो वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे स्टैट्स मिलते रहते हैं, जैसे कि किलोमीटर कितने हुए, साथ ही साथ स्टेप्स कितने हुए, कैलोरी कितनी बर्न हुई, और ये फास्ट लेन के अंदर आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं कि किस किस लोकेशन पे आप कितने समय तक थे और कितने स्टेप्स का टारगेट आपका कंप्लीट हो चुका है डेली बेसिस पे, कितना किलोमीटर भी हो गया है वो भी आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज है यहाँ पे माई अचीवमेंट्स, और माई अचीवमेंट्स के अंदर ऐप के अंदर आप देख सकते हैं कि आप अपनी लोकेलिटी में कहाँ स्टैंड करते हैं, बाकी और लोग जो इस बैंड को यूज कर रहे हैं उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, आपके अचीवमेंट्स क्या हैं, और वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी आपको बैजेस के फॉर्म में, जो कि आपको ऐप में देखने को मिलता है। फिटनेस बडीज का एक और फीचर यहाँ पे इस बैंड में दिया गया है, जिसमें आप अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं अपने फिटनेस नेटवर्क में और ट्रैक कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ अपनी परफॉर्मेंस भी कंपेयर कर सकते हैं कि कितने फिट वो हैं, कितनी एक्टिविटी उनकी है और कितने स्टेप्स आपके हैं डेली बेसिस पे। साथ ही साथ इस बैंड में आपको स्लीप ट्रैकिंग भी मिल जाती है, तो स्लीप ट्रैकिंग के अंदर आप जाके आप देख सकते हैं कि कितने आर आपने स्लीप किया, और ऐसे में वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, जैसे कि डीप स्लीप आपका कितना अच्छा था, लाइट स्लीप आपका कैसा था, और कब आप अवेक थे, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ऐप में मिल जाती है। लेकिन इस फीचर को यूज करने के लिए आपको इस फीचर को अनेबल करना होगा सोने से पहले, ताकि ये सारी इंफॉर्मेशन बैंड से ऐप के अंदर ट्रांसफर हो जाए और आप मॉर्निंग में देख पाए कि किस तरह के आपका स्लीप पैटर्न रहता है। कुछ और मिसलिनियस फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो आप बैंड से फोन को ढूंढ सकते हैं, फोन से बैंड को ढूंढ सकते हैं, साथ ही साथ यहां पे आपको वाइब्रेशन अलर्ट मिलता है, जिसके अंदर अगर आप एक ही जगह पे बैठे हुए हैं और आपने बैंड पहना हुआ है तो तकरीबन एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद 15 या 20 मिनट के बाद बैंड वाइब्रेट करेगा और आपको बोलेगा कि भाई आप थोड़ा उठ के इधर उधर वॉक करिए, थोड़ी एक्टिविटी करिए, ये भी एक अच्छा फीचर है जो कि इस बैंड में आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि इस बैंड के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ, और पहला है यहाँ पे कि आप अपना कैमरा जो है फोन का लॉन्च कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बैंड से ही, जो कि एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है। इसके लिए आपको इसकी जो ऐप है उसे लॉन्च करना होगा और उसके बाद आप बैंड से ही कैमरा से
फोटो ले सकते हैं और उसको लॉन्च भी कर सकते हैं। दूसरा अच्छा फीचर इस बैंड में आपको मिलता है नोटिफिकेशन के फॉर्म में, और यहाँ पे आपको ना सिर्फ कॉल मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाते हैं बैंड पे। और ऐसे में ये नोटिफिकेशन मिलने के बाद अपने फोन पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि वो नोटिफिकेशन क्या है और आपको उस पर क्या एक्शन लेना है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे फोन फाइंडर और साथ ही साथ बैंड फाइंडर, यानी कि बैंड से आप फोन को ढूंढ सकते हैं और ऐसा करने पर फोन रिंग करेगा। अगर आप फोन से बैंड को ढूंढेंगे तो बैंड वाइब्रेट करेगा और इस तरह से आप दोनों डिवाइसेस को सिंक में रख सकते हैं और ढूंढ सकते हैं कि कौन सी चीज कहां रखी है। खासतौर से जब हम भूल जाते हैं कि फोन कहां रखा है तो वो बैंड से मिल जाएगा, और जब बैंड नहीं मिल रहा है तो आप उसे फोन से पता लगा सकते हैं कि वो कहां है। तो कुछ इस तरह से इस बैंड का फुल रिव्यू है, लेकिन इससे पहले कि मैं इस रिव्यू को कंप्लीट करूं, यहां पे कुछ कॉन्स भी हम आपको बता देते हैं। पहली ये है कि अगर आप इस बैंड से स्लीप को मॉनिटर करना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको वो मैनुअली करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि हार्ट रेट सेंसर आपको नहीं मिलता है, और ओवरऑल देखा जाए तो अपीयरेंस इस बैंड की कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, थोड़ी सी मस्कुलिन है, और कुछ लोगों को शायद इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो ऐसे में ये आपका अपना नजरिया है कि आपको ये बैंड कैसा लगता है लुक एंड फील के बारे में। अब समय आ चुका है सरप्राइज को अनवील करने का, और सरप्राइज ये है कि इस बैंड को हम गिव अवे कर रहे हैं, और ऐसे में इस गिव अवे में जीतने के लिए आपको गिव अवे पेज पे जाना है, जो कि नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इसमें इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.